गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग लेगेसी गेमिंग। ओके टुडे इज द न्यू सीरीज। अच्छा इसका वहाँ पे मैंने फर्स्ट में एलएल लिखा है, तो एलएल का मतलब है एक्चुअली लेगेसी मेरी नेम। तो हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स, अ टेक्निक दैट हैज चेंज पबजी फॉर एवर। हाँ आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने थंब से फोर फिंगर क्लॉ में शिफ्ट किया था, तो इसलिए मुझे ये डिफरेंस अच्छे से पता है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ तो हम इधर चार चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ फोर फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स, डिसएडवांटेजेस, आप कैसे इससे मास्टर कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट खेल सकते हो इससे पहले, एंड देन मतलब टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। मैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स में जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट नाउ। ये वीडियो दो पार्ट्स का भी हो सकते हैं, सो आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू मेक इट इन वन पार्ट। हाँ एक पार्ट का ही होगा शायद ये वीडियो होगा एक। तो हाँ पहले हम बात करने वाले फोर फिंगर कंट्रोल। फोर फिंगर कंट्रोल जैसा कि आप मेरा कंट्रोल देख सकते हैं, मेरा फायर बटन है टॉप राइट कॉर्नर को, जंप है इस, मैं नॉन जायरो प्लेयर हूँ इसलिए मुझे स्क्रीन भी घुमाना पड़ता है और जंप भी करना पड़ता है एट द सेम टाइम। ओके तो फोर फिंगर क्लॉ कंट्रोल में आपको इंडेक्स फिंगर, दोनों थंब, हाँ दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर, दोनों थंब यूज़ करने पड़ते हैं। ये बेसिक था, ये सबसे बेसिक था, पर इसे मास्टर करना उतना जीवन जितना कब नहीं, क्योंकि आप जब पहले से कोई भी गेम खेलते हो वो आपका कंट्रोल रहता है थंब में कंट्रोल रहता है, रेसिंग गेम हो जो भी, इसलिए सब थंब भी खेलते हैं पहले, पर्टिकुलर थंब। बट मॉर्टल सोल मॉर्टल को देख के, मुझे लगता है सोल मॉर्टल को, मुझे लगता है क्योंकि वही बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसने फोर फिंगर कंट्रोल एक्चुअली इंट्रोड्यूस करा था मुझे लगता है। तो यस आई कुड बी रॉन्ग, तो उसको देख के बहुत लोगों ने फोर फिंगर में शिफ्ट किया। ओके पहले मैं जब थंब में खेलता था तो मुझे फायर जंप और सब कुछ एक साथ करने में बहुत टाइम लगता था, पर अभी नहीं, अभी फोर फिंगर कंट्रोल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फोर फिंगर कंट्रोल्स हाँ आपको मास्टर करने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसका फायर पावर उतना अच्छा नहीं हो सकता है कभी कभी, मतलब जितना आपका थंब है, थंब से अच्छा रिकॉइल कंट्रोल होता है बहुत, इंडेक्स फिंगर से बहुत टफ होता है, बट आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तब अच्छा होगा। पर लेट मी गिव यू अ वार्निंग, क्योंकि फोर फिंगर क्लॉ कंट्रोल्स के साथ रिकॉयल कंट्रोल प्रैक्टिस करने बहुत दर्द होता है इंडेक्स फिंगर में, जिसे इंडेक्स फिंगर में आप फायर कर रहे हो उसी इंडेक्स फिंगर में। तो मुझे इसके एडवांटेज के बारे में, इसके एडवांटेजेस है जो कि आप बहुत कुछ एक साथ करते हो, तो जैसे कि मेरा जब मैं थंब में खेलता था तब मैं मुझे स्कोप खोलना पड़ता था, फिर मुझे फायर बटन में टैप करना पड़ता था और फिर स्पीड घुमा के वैसा करना पड़ता था, पर अभी स्कोप खोलो मारो, स्कोप खोलो मारो, स्कोपिंग स्कोप ऐसा। अभी मैं क्लोज रेंज में जंप करके सीधा हेड मारता हूँ, अभी क्राउच कर लेता हूँ बहुत जल्दी, बहुत फास्ट होता है सब कुछ फोर फिंगर कंट्रोल में। मतलब अगर आपके सामने कोई बंदा है वो थंब है तो उसको कुछ होता है एटलीस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का तो डिफरेंस होगा, उसी का आप फ़ायदा उठा सकते हो। हाँ पर इफ़ यू आर जोनाथन आप वो, तो फोर फिंगर कंट्रोल्स के एडवांटेजेस तो आप खुद ही खेलोगे तो समझ जाओगे, पर मैं बोल रहा हूँ आपका जो पहले एम होगा, जो आप एम करोगे एनिमी के ऊपर, वो एम बहुत बिगड़ेगा फोर फिंगर कंट्रोल्स से। अब आप पहले में खेलोगे फोर फिंगर कंट्रोल्स में, अगर किसी ने नहीं खेला तो। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस हैं कि ग्रिप नहीं होता कभी कभी ठीक से, अच्छा कभी कभी, मतलब ये यूजुअली नहीं होता है, पर मेरा फर्स्ट में हो रहा, मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ फोर फिंगर कंट्रोल्स का, हाँ तो मेरा ग्रिप नहीं होता था पहले ठीक से। तो और सेकेंड है कि आपका तो मिस फायर होगा ही फर्स्ट में, एंड देन आपका शायद फायर पावर रिड्यूस हो जाए कभी, क्योंकि थंब में शायद ज़्यादा फायर पावर मुझे लगता है, थंब से ज़्यादा यूज किया है इसीलिए हमें थंब भी खेलना पसंद है इसीलिए। तो ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है मेरे लिए, मुझे तो फोर फिंगर कंट्रोल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, हाँ फोर फिंगर कंट्रोल्स आर गुड। ओके लेट मी टॉक अबाउट द
टाइप्स ऑफ फोर फिंगर कंट्रोल्स, तो लाइक टाइप्स ऑफ फोर फिंगर कंट्रोल, फोर फिंगर कंट्रोल सिर्फ एक ही है, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जैसे कि थ्री फिंगर कंट्रोल जिसे पॉ कहते हैं, और फाइव फिंगर कंट्रोल्स वो भी बहुत अच्छे हैं, वो ओवेज यूज़ करता था जिसे आप अभी फिनेटिक ओवेज कहते हो या पहले सोल ओवेज कहते हैं। मैं इन सब के हैंड कैम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एक्सेप्ट फोर फिंगर क्लॉ, मैं बता दूँ एक्सेप्ट फोर फिंगर क्लॉ। और हाँ, सेवन फिंगर भी है, एक एट बिट का जायरो गॉड है, वो सेवन फिंगर्स खेलता है। मैंने घट रहा था, मेरा फ़ोन गिर गया, सॉरी। तो फोर फिंगर कंट्रोल्स जो हैं आपको मास्टर करने पड़ेंगे अगर आप बहुत फास्ट खेल सकते हो उससे, उनसे मतलब आप स्कोप खोलोगे तब तक शायद आपका किल भी कोई ले जाए, बट ये फोर फिंगर कंट्रोल्स नहीं होने देंगे, ये बहुत फास्ट है। आप पहले, मेरा बेस्ट सेशन रहेगा आप फोर फिंगर कंट्रोल्स लो एंड देन उसे TDM में प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से TDM में प्रैक्टिस करो। ट्रेनिंग ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड तो है, पर ट्रेनिंग ग्राउंड में असली बंदे थोड़े मिलेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में आप रिकॉइल कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉन्ग रेंज प्रैक्टिस करते हो, शॉर्ट रेंज में और भी कुछ प्रैक्टिस करते हो, पर रियल एक्सपीरियंस आपको TDM में जाना पड़ेगा, क्योंकि TDM आपको, हाँ शायद आपका TDM के रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, पर ऐसा मत करना कि मतलब अगर आप, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ फोर फिंगर कंट्रोल के लिए, बट अगर आप जाना चाहते हो फोर फिंगर कंट्रोल के लिए तो पहले आपका बहुत बुरा बताओ अंगूठे में दर्द भी होगा, पर जब आप इसे मास्टर कर लोगे तब इसका आउटकम आप देख सकते हो। जैसे कि अभी देखो मेरा रिकॉइल कंट्रोल कितना अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, एटलीस्ट ठीक ठाक है। मैं एक स्प्रे में गाड़ी डाउन कर सकता हूँ, एंड जब पूरा स्क्वाड स्प्रे दे रहा है तो क्या ज़रूरत भाई। और हाँ, फोर फिंगर कंट्रोल्स के लिए मुझे लगता है शायद सेंसिटिविटी जो है वो मैटर करता है, अगर आप कम से फोर फिंगर में शिफ्ट कर रहे हो तो आपका सेंसिटिविटी चेंज होगा। मेरा तो, मैंने तो किया था, जब थंब से मैंने फोर फिंगर में चेंज किया तब मैं, मुझे अपना स्कोप को सबका सेंसिटिविटी चेंज करना पड़ा था, एंड देन सब ठीक हुआ। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा रहेंगे आप।